जी आवाज आ पा रही है क्या? एक बार आप लोग आवाज बता दें तो कुछ बातचीत की जाए। आवाज आ रही है? जी जय भीम। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 129वें जयंती पर जय भीम और नमो बुद्धाय। आज जिस दौर में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ बुनियादी बातें आप लोगों से साझा करनी है। आज की लाइव में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों पर बातचीत हो जाए, तो आपके जहन में मेरी मित्रता सूची से जितने भी लोग शामिल हैं, आप लोग कोशिश करिए कि कुछ सवाल आपके जहन में हो तो उस पर बातचीत करेंगे डॉक्टर अंबेडकर पर। ये हम लोग लाइव के आखिरी हिस्से में करेंगे। शुरू में हम लोग इस पर बात करेंगे कि असल में आजाद हिंदुस्तान में अंबेडकर को किस नजर से देखा गया और क्या जो रवैया भारतीय ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों का रहा, राजनीति के सत्ता प्रतिष्ठानों का रहा, वह डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके पूरे व्यक्तित्व को समग्रता में देखने में हमारी मदद करता है या किन्हीं पूर्वाग्रहों का शिकार रहा है। और उसके बाद मैं आपसे कुछ किताबें साझा करूंगा जो डॉक्टर अंबेडकर को समझते हुए मैंने पढ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि और इस बात को समझता हूं कि बाकी सबको बुनियादी तौर पर कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए। बातचीत शुरू करने के पहले मैं याद करना चाहूंगा आनंद तेलतुंबड़े के, जो अंबेडकरवादी दृष्टिकोण से दुनिया में एक बहुत चर्चित चिंतक हैं, समाजशास्त्री हैं, विश्लेषक हैं। और आज जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे, उसके समानांतर वो भीमा कोरेगांव के मसले पर गौतम नवलखा के साथ आज के दिन फिर से अनंत तेलतुंबड़े को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो इस बात पर बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अब इस मसले को बातों की बजाय आम जनता तक ले जाने की जरूरत है कि असल मानी में अंबेडकर के विचारों का जो भारत बनना था वो क्यों नहीं बन पाया, और कौन लोग हैं जो अंबेडकर के विचारों की हत्या कर रहे हैं, और उसमें कई तरह के लोग हैं। अंबेडकर को दक्षिणपंथी आरएसएस भी याद करता है। देश की चलाने वाली बड़ी कुर्सी पर बैठे होने की दबाव में तमाम वे राजनेता याद करते हैं अंबेडकर को, जो असल मानी में अंबेडकर के सैद्धांतिकी के, अंबेडकर के विचारों के खिलाफ खड़े हैं। और ये बड़ा विडंबनापूर्ण दिखता है। आप कभी तो उनके नाम के पहले उनके पिताजी का नाम जोड़ करके एक अलग तरह की सियासत करना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव को भीमराव रामजी अम्बेडकर करते हैं। दूसरी तरफ आप ये कोशिश करते हैं कि अंबेडकर को के सामाजिक न्याय को, सामाजिक समानता को, सामाजिक समरसता की वैचारिकी के भीतर कोऑप्ट कर लिया जाए।
और हमारे तमाम बड़े पढ़े लिखे विद्वान, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी और आरएसएस की शाखाओं से निकले लोग इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बारीक फर्क है शाब्दिक रूप से समानता और समरसता में, लेकिन यह पूरी वैचारिकी के दो अलग अलग छोर हैं। एक वैचारिकी जिसमें कल भी मैंने जिक्र किया था और आज फिर से जिक्र करूंगा, मैं किताब दिखाऊंगा, शायद आपको तस्वीर में यह किताब उल्टी नजर आ रही होगी, लेकिन यह किताब है गोलवलकर की, संघ के प्रमुख रहे, दूसरे बड़े नाम, और इंग्लिश में यह किताब छपी थी बंच ऑफ थॉट के नाम से। हिंदी का एक संस्करण मेरे पास है विचार नवनीत, और इस किताब में दो बातें मैं आपके सामने फिर से रखना चाहूंगा। एक अलग अध्याय है आंतरिक संकट के नाम से, कि इस देश के लिए आंतरिक संकट कौन है, और आंतरिक संकट में पेज नंबर 170 पर पहला आंतरिक संकट बताया गया मुसलमान को, दूसरा आंतरिक संकट बताया गया ईसाई को, और तीसरा आंतरिक संकट कम्युनिस्टों को बताया गया। ये इस किताब के पन्नों में है। और दूसरी बात जिसकी वजह से बंच ऑफ थॉट को मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, इसमें तो तमाम बातें ऐसी हैं जो एक तरफ आप संविधान रखेंगे और एक तरफ आप बंच ऑफ थॉट रखेंगे तो आपको वैचारिकी का स्पष्ट अंतर दिख जाएगा कि वे कौन लोग हैं जो एक मनुवादी फासिस्ट सरकार बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं जो हिंदू राष्ट्र हो, जिसमें जातियां समरसता के साथ रहें, जाति उन्मूलन उनका ध्येय नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी सबसे महत्वपूर्ण विचारकी में जाति का विनाश चाहते हैं, जाति खत्म हो, लेकिन सामाजिक समरसता यानी दक्षिणपंथी आरएसएस क्या चाहता है, जातियों में समरसता हो, जाति उन्मूलन न हो। यह सबसे बड़ा खतरा है सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की शब्दावली में, जिसे स्पष्ट तौर पर अकादमिक ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों से लेकर के गांव तक में ले चलना होगा कि आप जातियों के बीच एक रास्ता बनाया जाना चाहते हैं। और इस बात में अंबेडकर भी एक तरफ खड़े हैं, सामाजिक न्याय की वैचारिकी एक तरफ खड़ी है, और दूसरी तरफ गांधी भी खड़े नजर आते हैं इस मसले पर। गांधी वहीं खड़े नजर आते हैं। गांधी का कोटेशन मैं पहले पढ़ना चाहूंगा। गांधी चाहते क्या थे कि किस तरह से जातियां बनी रहें, क्योंकि जाति महत्वपूर्ण है भारतीय समाज के लिए। मैं जो कोटेशन पढ़ रहा हूं वो अरुंधति रॉय की किताब में पेज नंबर 21 पर है। दो कोटेशन है गांधी के। 1916 में मद्रास के एक मिशनरी सम्मेलन में गांधी ने भाषण दिया। महात्मा गांधी कहते हैं, जाति का व्यापक संगठन न केवल समाज की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह राजनीतिक आवश्यकताओं की भी को भी परिपूर्ण करता है। जाति व्यवस्था से ग्रामवासी न केवल अपने अंदरूनी मामलों का निपटारा कर लेते हैं, बल्कि इसके द्वारा वे शासक शक्ति या शक्तियों द्वारा उत्पीड़न से भी निपट लेते हैं। एक राष्ट्र जो जाति व्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम हो, उसकी अद्भुत सांगठनिक क्षमता को नकार पाना संभव नहीं है। फिर 1921 में गांधी नवजीवन गुजराती पत्रिका में लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि यदि हिंदू समाज अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है तो वजह यह है कि इसकी बुनियाद जाति व्यवस्था के ऊपर डाली गई है। जाति का विनाश करने और पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का अर्थ होगा कि हिंदू आनुवांशिक पैतृक व्यवस्था के सिद्धांत को त्याग दें, जो जाति व्यवस्था की आत्मा है। और आखिरी में ये कहते हैं, आनुवंशिक सिद्धांत एक शाश्वत सिद्धांत है, इसको बदलने से अव्यवस्था होगी। मेरे लिए ब्राह्मण का उद्देश्य उपदेश ब्राह्मण का क्या उपयोग है यदि मैं उसे जीवन भर ब्राह्मण न कह सकूं। यदि हर रोज किसी ब्राह्मण को शूद्र में परिवर्तित कर दिया जाए
और शूद्र को ब्राह्मण में, तो इससे तो अराजकता फैल जाएगी। पेज नंबर 21, अरुंधति रॉय, एक था डॉक्टर एक था संत। अब बंच ऑफ थॉट का पेज नंबर 352-53, इसमें क्या लिखते हैं, 52-53 में अस्पृश्यता का उपचार। आरएसएस के महान विचारक, बंच ऑफ थॉट के लेखक गोलवलकर जाति का उपचार नहीं चाहते, अस्पृश्यता का। याद करिए शुरुआती दौर में, और जब गांधी लिख रहे थे कि जाति खत्म होने से अव्यवस्था फैल जाएगी समाज में, तो गांधी भी यहीं खड़े थे। ये बंच ऑफ थॉट लिखता है पहली बात कि ये अंग्रेजों के द्वारा पैदा किया हुआ है, वही पुराना खेल। हमारा कटु अनुभव है कि अंग्रेजों ने एक वर्ग या जाति को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया था, यथा ब्राह्मण के विरुद्ध अब्राह्मण, और बांटो और राज करो की कुटिल नीति चलाई। गोलवलकर कह रहे हैं कि जाति का जहर अंग्रेजों का बांटो और राज करो की नीति का है। इसको अंबेडकर तब के लिख चुके हैं, लेकिन अंबेडकर का कोई जवाब नहीं। और इसमें गलत तथ्य दिया हुआ है बंच ऑफ थॉट में। क्या लिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के विशेषाधिकार का प्रावधान सन 1950 में हमारे गणतंत्र की स्थापना से मात्र 10 वर्ष के अवधि के लिए किया था, परंतु इसे निरंतर बढ़ाया जा रहा है। इनको यह लिखना चाहिए कि यह 10 वर्ष केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, रिजर्वेशन की बात नहीं थी। तो इनके विचारक ही गलत तथ्य देते हैं, तो ये गलत तथ्य देने की परंपरा आरएसएस में पुरानी चली आ रही है। कुपाठ, अनपढ़ और कुपढ़ लोगों का ये पूरा तंत्र है। और आखिरी में रिजर्वेशन के लिए क्या कह रहे हैं कि इससे जातियों में खाई बढ़ेगी अगर आरक्षण दिया जाएगा जाति के आधार पर, और कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें गरीब जरूरतमंद और कंगाल लोग न हो, अतः यह उचित होगा कि विशेषाधिकार लोगों की आर्थिक स्थिति पर दिया जाए। बंच ऑफ थॉट, और इसी बंच ऑफ थॉट की आइडिया को 2019 में जनवरी में पूरा किया गया जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू किया गया। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के बेसिक आइडिया के खिलाफ है, जिस तबके में सामाजिक वंचना जाति के आधार पर, उस पूरी बहस को आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दिया गया। तो ये एक विचार की है। अंबेडकर के लंबे संघर्षों के प्रभाव में गांधी कुछ हद तक बदलाव अपने विचारधारा में करते हैं। गांधी हरिजन और अस्पृश्यता के खिलाफ, हरिजन शब्द देते हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ वो आंदोलन करते हैं, और गांधी मानते हैं कि मेरी जाति की समझ अंबेडकर की वजह से बदली। बावजूद इसके अंबेडकर की समझ को सायास उपेक्षित किया गया, दबाया गया, और जाति की बहस को आज भी इतना हाशिए पर रखा गया कि आज भी हम सामाजिक न्याय की बजाय सामाजिक समरसता जैसी दक्षिणपंथी संघी शब्दावलियों की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए हमें कम से कम जाति की इस बहस को जाति उन्मूलन तक ले जाना होगा। अंबेडकर कहते थे, अंबेडकर ने बाकायदे लिखा है कि जाति का उन्मूलन करना है, बिना उन्मूलन के जाति के यह समाज कभी व्यवस्थित हो ही नहीं सकता। और हिंदू समाज के व्यवस्थित होने के पीछे अंबेडकर जाति को एक बहुत बड़े बाधा मानते हैं। अब इसके साथ दूसरी बात है, अंबेडकर केवल जाति की बात नहीं करते। अंबेडकर को, आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप इसका जिक्र अगर आप अपने कमेंट में करें तो मुझे खुशी होगी। याद करिए कि आपके सामने बचपन से लेकर के अब तक गांव की स्मृतियों में कहां कौन सी इमेज बनती है जैसे अंबेडकर का नाम लिया जाता है, अंबेडकर किस छवि में याद आते हैं। मेरा आकलन है कि अंबेडकर को दो स्थापित खांचों में कैद किया गया। एक वो छवि थी जिसमें संविधान की किताब हाथ में लिए हुआ, एक सूट बूट पहना, पढ़ा लिखा, साक्षर, काबिल नौजवान विचारक, जिसने संविधान की प्रस्ताव प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, जो यानी संविधान निर्माता। और उसमें भी बाद में यह आरोप लगाया जाता है कि अंबेडकर अकेले ही थोड़े संविधान लिख रहे थे, वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरी छवि दलितों के मसीहा, आरक्षण के मसीहा, इन सारी बहसों में दो दो छवियों में अंबेडकर को कैद किया गया।
जबकि हम जब आज अंबेडकर को याद कर रहे हों तो अंबेडकर ने कितना विस्तार दिया था अपनी पूरी वैचारिकी को, ऐसे समझने की बात हमें कोशिश करनी चाहिए। अंबेडकर एक समाजशास्त्री थे, अंबेडकर एक राजनीति के विद्वान थे, राजनीति के बहुत बड़े प्रयोक्ता थे। अंबेडकर ने नारीवादी विमर्श को एक नया आयाम दिया। अंबेडकर ने किसानी पर बहुत कुछ लिखा है, मजदूर श्रमिकों के ऊपर उन्होंने इतना काम किया है, अर्थव्यवस्था थी। अंबेडकर पत्र पत्रिकाओं के लिहाज से देखे तो 6-5 अखबार निकालते थे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत पत्रकारिता में, क्योंकि अंबेडकर कहते थे अछूतों का कोई अखबार नहीं होता। अंबेडकर जिस नजरिए से एक बड़ा विस्तार रखते थे, उन्हें बाकायदे 70 साल में उपेक्षित किया गया। अंबेडकर के आर्थिक चिंतन को, अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन को, समाजशास्त्री अध्ययन को, अंबेडकर के श्रमिकों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं के प्रति क्या नजरिया है, जो दूरदृष्टि थी, उसकी किताबें ही पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई। मैं एक किताब का जिक्र इसी के साथ कर रहा हूं, क्रिस्टोफ जेफ्रलो, इनकी किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, 2019 में इसका हिंदी अनुवाद आया, इसके पहले ही अंग्रेजी में लिखी गई थी। इनको इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब साइलेंट रिवॉल्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया, बहुत प्रसिद्ध विदेशी विद्वान। और अरुंधति रॉय को जब हम पढ़ते हैं या बाद के तमाम विचारकों को पढ़ते हैं, एक आरोप सबसे गंभीर लगाया गया कि जिस दौर में आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के ऊपर दर्जनों किताबें लिखी जा रही थी, उनका सामान्य लेखन भी पब्लिक डोमेन में था, वो बड़े विचारक माने जा रहे थे, वो स्वाधीनता संग्राम के नायक थे, राष्ट्र निर्माता थे, उस दौर तक अंबेडकर की इतनी अपार लेखनी को भी संकलित करके प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा था। और एक तथ्य बड़ा रोचक है कि भारत रत्न एक परंपरा रही है कि जीवित लोगों ने खुद को दिया, बाद के लोगों ने अपने पूर्वजों और वैचारिक पुरोधाओं को दिया, जो कि भारतीयता की आत्मा के खिलाफ खड़े थे, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया। लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न उनकी मृत्यु के 33 साल बाद और उनके जन्म के लगभग एक शताब्दी बाद 31 मार्च 1990 को बीपी सिंह की गवर्नमेंट में, और वहां से व्यवस्थित अंबेडकर की समग्र रचनावली के प्रकाशन की बात शुरू होती। तो अंबेडकर पाठ्यक्रम में नहीं रहे, अंबेडकर को समाजशास्त्र के विषयों में नहीं कोट किया गया, अर्थशास्त्र में नहीं कोट किया गया, जेंडर की बात जब होती तो अंबेडकर को नहीं याद करते हैं, क्योंकि अंबेडकर को पढ़ने ही नहीं दिया गया। और एक सामान्य कॉमन सेंस जो अंबेडकर को लेकर के भारत में बना, वह कॉमन सेंस केवल दलित मसीहा, आरक्षण के नेता और उसके बाद संविधान के निर्माता, इन छवियों में कैद किया गया। और यह कैद करना जब सामाजिक न्याय के सबसे बड़े विचारक, सबसे व्यवस्थित विचारक के साथ हो रहा है, तो कल्पना करिए कि कहां आप पाएंगे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, पेरियार, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, राम मनोहर लोहिया, इतना कद्दावर नेता थे, गांधी के साथ, नेहरू के साथ एक लंबी बहस है, कहां है लोहिया सिलेबस के हिस्सों में, बाबू जगदेव प्रसाद कहां हैं, रामस्वरूप वर्मा कहां हैं, बीपी मंडल, कल उनका उनकी पुण्यतिथि थी, बीपी मंडल का मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहां है, कांशी राम किस नजर से देखे जाते हैं, और राजनीति में आते आते लालू मुलायम मायावती जातिवादी हो जाते हैं। मेरा आरोप इस पर है कि जब अंबेडकर को ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों से, राजनीति के सत्ता प्रतिष्ठानों से, तमाम जगहों से उपेक्षित किया गया, और इस उपेक्षा में वे वर्चस्वशाली प्रभु वर्ग कामयाब रहा, तो सामाजिक न्याय के बाकी पुरोधाओं के साथ क्या होगा, ये हम समझते हैं। हमारे नायक जनता तक नहीं है, इसलिए कोरोना की महामारी में रामायण और महाभारत दिखा करके सामाजिक न्याय को सामाजिक समरसता से रिप्लेस करके
कुछ छद्म दलित ओबीसी और आदिवासियों को संघ की नुमाइंदगी करके आज सामने खड़ा करके भीमराव रामजी अम्बेडकर करके सामाजिक न्याय को सामाजिक समरसता के जरिए हत्या करवा करके अंबेडकर को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि अंबेडकर को साया 70 साल उपेक्षित किया गया, उनकी लेखनी को उपेक्षित किया गया, उनको जानने नहीं दिया गया कि वित्त आयोग के गठन में द प्रॉब्लम ऑफ रुपई और उसके बाद ये द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इसका भी कोई रोल है, मजदूरों के काम के घंटे, पे ग्रेड, ग्रेचुटी, टीएडीए, लेबर एसोसिएशन, लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, इनका भी कोई रोल था इस देश को बनाने में, किसानों के लिए खेती की अलग से खेती की बात करना, किसानों के बांध की सिंचाई की, इसके लिए अंबेडकर ने लिखा, पढ़ा क्या आपने कहीं कि अंबेडकर किसानों के लिए कुछ लिखते हैं, अंबेडकर श्रमिकों के लिए लिखते हैं, अंबेडकर महिलाओं के लिए इतना कुछ लिखते हैं, हिंदू कोड बिल पर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, महिलाओं के उत्तराधिकार की बात, संपत्ति के अधिकार, लेबर की बात, महिला श्रम के मूल्य की बात, और अंबेडकर ये लिखते हैं कि जिस समाज की हैसियत में महिलाओं की हैसियत से मैं उस समाज की हैसियत को परखता हूं, क्या आपने महिला चिंतक के रूप में अंबेडकर को पढ़ा? तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय की पूरी वैचारिकी को खारिज करना था, इसलिए सामाजिक न्याय की वैचारिकी के सबसे प्रमुख स्वर को लिखने पढ़ने और बोलने से उपेक्षित रखा गया, सायास निर्वासित किया गया। इसलिए अंबेडकर का कम पाठ हुआ है और कुपाठ हुआ है। अंबेडकर ने बहुत कुछ लिखा है, अब जाकर के वो चीजें पब्लिक डोमेन में आई। तो ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण आरोप, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि अंबेडकर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, अंबेडकर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जाए। अंबेडकर का विस्तार क्रिस्टोफर की किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने 1952 53 54 के आसपास कोशिश की, और वो ये चाहते थे कि एक एका बने। किसकी एका? और ये मैं अब अपने वक्तव्य के दूसरे हिस्से पर आ रहा हूं, जो बहुजन तबके को संबोधित कर रहा हूं। अभिषेक भाई ने इस बातचीत में एक बात कहा कि अपनी बातचीत में एक बात कही कि पिछड़े तबके के लिए भी अंबेडकर को देखना चाहिए। तो अंबेडकर को खांचों में कैद किया गया, इसमें राजनीति भी दोषी है, ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान, प्रभु वर्ग और वे लोग। आप एक अधूरी बात रह गई, बस ये बात जिक्र करिए, बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना है, आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना है, आपने राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है, किस रूप में? ये लोग आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक माने जाते हैं, अग्रिम पंक्ति में है, और इन सब के विचार रूढ़ीवादी, कर्मकांडी और दक्षिणपंथी विचार है। लेकिन ये सारे लोग राष्ट्र निर्माता माने जाएंगे, स्वीकृत बुद्धिजीवी माने जाएंगे, अंबेडकर दलितों के नेता माने जाएंगे, अंबेडकर आरक्षण के नेता माने जाएंगे, अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सीमित रखे जाएंगे। ये कौन लोग थे? तो आपके राष्ट्र निर्माण की आपके सिलेबस में कौन है? प्राइमरी में आप पढ़ाते हैं तो अंबेडकर को केवल संविधान की किताब से जोड़ देते हैं, अंबेडकर को दलितों से जोड़ देते हैं। आपके सिलेबस में अंबेडकर है ही नहीं, आपके पुस्तकालयों में अंबेडकर नहीं है। अब जाकर के कुछ चीजें बदली हैं, तो बदल रही हैं, लेकिन कितनी बदली हैं ये उस कॉमन सेंस से पहचान करिए जिसमें आज भी दक्षिण पंथ सेंध लगाने में कामयाब हो गया। इसमें एक बात वो कहते हैं कि जब वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाना चाह रहे थे तो अंबेडकर क्या चाह रहे थे कि आरपीआई एक ऐसा कार्यक्रम भी पेश किया आरपीआई का अंबेडकर ने, जिसमें जाति की धारणा, वर्ग की धारणा के पीछे ओझल हो गई थी, ताकि यह पार्टी उन सभी तबकों के एक संघ के रूप में अपनी पहचान बना सके जो अपनी सामाजिक हैसियत के कारण अन्याय के शिकार हैं, चाहे वे दलित हों, ओबीसी हों या आदिवासी, जिसे हम आज बहुजन तबका कहते हैं। ओबीसी वर्ग में एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा की गई कि अंबेडकर केवल दलितों के लिए, तो ओबीसी के लिए कुछ किया नहीं। बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैं अक्सर ये बात करते देखता हूं कि अंबेडकर को वो स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि अंबेडकर यहां एक एका की बात करते हैं।
पार्टी के संविधान में, आरपीआई के संविधान में लिखा गया कि भारत की दबी कुचली जनता, खास तौर से बौद्धों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों को संगठित करना पार्टी का उद्देश्य होगा। क्रिस्टोफर लिखते हैं 100 पेज नंबर 108 पे, और आप कहते हैं कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। मंडल कमीशन किस आधार पर गठित हुआ था? क्या ओबीसी के लिए संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने यह एक क्लॉज नहीं जोड़ा कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत ज्यादा वंचित है, इसलिए आने वाले वक्त में पिछड़े वर्ग को संगठित करके उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसके लिए कालेलकर कमेटी बनी। बीपी मंडल ने जिस काम को बखूबी किया, और ओबीसी तबका केवल अंबेडकर की उपेक्षा नहीं करता, ओबीसी तबका बीपी मंडल को नहीं जानता, ओबीसी तबके ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक नहीं पढ़ी, प्रकाशित तक नहीं होने दी गई, और मंडल कमीशन जो कि एक मुकम्मल दस्तावेज है इस राष्ट्र को चलाने के लिए, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं सामाजिक न्याय केवल जातियों की बात नहीं है कि आप आरक्षण की बहस करके अंबेडकर को एक जगह खांचे में कैद कर दें, आप ओबीसी एससी एसटी की पूरी पॉलिटिक्स को, बहुजन पॉलिटिक्स को केवल आरक्षण की बहस करें, नहीं भाई, आरक्षण नहीं, सामाजिक न्याय का अर्थ है आर्थिक न्याय, भूमि सुधार। अंबेडकर बार बार आरपीआई के संविधान में लिखते हैं कि भूमि सुधार जरूरी है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, भूमि सुधार की बात है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आर्थिक तमाम सुविधाएं और प्राइवेटाइजेशन का विरोध, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद अंबेडकर रच के गए थे। और आप आरएसएस के उसी सामाजिक न्याय वर्सेस सामाजिक समरसता के चक्रव्यूह में फंसते हैं कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया अंबेडकर ने। अंबेडकर की पूरी वैचारिकी वंचितों शोषितों की एका पर निर्भर है। अंबेडकर फिर मजदूर की जो बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं, आप उसे कहां रखेंगे? अंबेडकर किसानों की बात करते हैं, अंबेडकर महिलाओं की बात करते हैं, तो यही तो है बहुजन एका। जिस 85% की बात 90% करके बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट, धन आर्थिक, धरती लैंड रिफॉर्म और राजपाट पॉलिटिक्स, ये है आपकी लड़ाई। तो अंबेडकर को हमने नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, या अंबेडकर का कुपाठ किया, और इसके पीछे पूरा ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा जमाए एक बहुत बड़े प्रभु वर्ग की साजिश है। अंबेडकर को पाठ्यक्रमों से दूर रखना, अंबेडकर को राष्ट्र निर्माण के नायक से बनाए की छवि से दूर रखना, अंबेडकर को दलितों का मसीहा, आरक्षण का मसीहा कहा जाना, और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग नेहरू से लड़ते थे, धर्म के मानने वाले लोग, और क्या क्या इनके विचार हैं। नारी को लेकर के जब कांग्रेस में विचार आता था तो बाल गंगाधर तिलक धमकी देते हैं, हिंदू कोर्ट बिल पर राजेंद्र प्रसाद धमकी देते हैं नेहरू को, और इसी हिंदू कोर्ट बिल पर अंबेडकर इस्तीफा देते हैं। अंबेडकर ने जाति के नाम पर इस्तीफा दिया था क्या? आप केवल अंबेडकर को जाति का नेता? तो दुनिया के किसी भी इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में दो बातें कभी नहीं दिखेंगी। नंबर एक, कोई भी मुल्क अपनी सबसे बुनियादी चुनौती को उपेक्षित नहीं करेगा। अमेरिका ने नस्लवाद को उपेक्षित किया तो गृह युद्ध झेलना पड़ा, और गृह युद्ध के बाद अमेरिका बदला, व्हाइट हाउस का नाम भले ना बदल पाया हो लेकिन व्हाइट हाउस में ब्लैक बैठा, अमेरिका का पूरा तंत्र बदल गया, और ब्लैक्स के लिए लड़ाई लड़ने की अगुवाई और आगे आगे सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने में व्हाइट्स आगे थे। नस्ल भेद को यूरोपियन कंट्रीज में लड़ करके मिटाया गया, हमारे यहां जाति को छिपाया गया, और आज भी, आज के दिन अपने वॉल टटोलिए, लेखों को खोजिए और खोजिए कि वे कौन घातक लोग हैं जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जातियां बनी रहें, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, जातियों के बीच एक आपस में रिश्ता बना रहे,
और सारे ये जातिवादी लोग आपकी थाली में आपके साथ बैठ करके खाने के दम्भ भरेंगे कि हम तो जाति नहीं मानते, हम तो छुआछूत नहीं मानते, हम हर जाति के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे दोस्त फला फला जाति के हैं, हम समरसता की बात करते हैं, तो क्या जाति यही है? आपकी समझ में खोट है। ये गोलवलकर हेडगवार के वारिस, समरसता के वारिस, ये जातियां इसलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि जातियों के वर्चस्व पर इनका हेजमनी कायम रहे। और अंबेडकर और सामाजिक न्याय चाहता है जाति उन्मूलन, जाति के नाम पर भेदभाव हुआ है तो जाति को खत्म किए बिना एक देश आगे नहीं बढ़ेगा, और इस जाति को संरक्षित करता है धर्म, इसलिए धार्मिक कर्मकांड और रूढ़िवाद को खत्म किए बिना नहीं आगे बढ़ेगा। भारत देश ने क्या किया, धार्मिक कर्मकांडों को, अपने देश की सबसे बुनियादी समस्या जाति को पर्दे के नीचे रखा, इसलिए आज भी यह समावेशी विकास की प्रक्रिया में नहीं बढ़ रहा है। आज भी दलितों के साथ सबसे ज्यादा हत्याएं, बलात्कार, चोरी और न्याय प्रक्रिया में सबसे ज्यादा धोखा, ग्राउंड से लेकर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू, जो प्रोफेसर ये दावा करता है ना कि जाति नहीं मानता सबको पढ़ाता है, वो इंटरव्यू में दलित पिछड़े आदिवासियों के नंबर काटता है, क्या ये शोध में आएगा? क्या ये अखबार में खबर छपेगी? नहीं छपेगी। मीडिया में कौन कब्जा किया हुआ है, न्यायपालिका में कौन कब्जा किया हुआ है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में कौन लोग बैठे हुए हैं, देश कौन चला रहा है? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि अंबेडकर को दलितों का नेता बनाया गया, बाबू जगदेव प्रसाद को, ललई यादव को, रामस्वरूप वर्मा को, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को, कांशी राम को, लोहिया को, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को कभी सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि अगर ये लोग सिलेबस में आ जाते, अंबेडकर घर घर पहुंच जाते, तो रामायण कौन देखता, तो फिर समरसता की बात कौन करता? और ये जो चुनौती देता है वर्ण, वर्ग और जेंडर को लेकर के, फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनता? फिर हिंदू राष्ट्र का दंभ 2020 में कैसे भरा जाता? हिंदू राष्ट्र के नाम पर चुनाव कैसे जीते जाते? क्योंकि ये सारे पेरियार, फूले, अंबेडकर, बिरसा और रामस्वरूप वर्मा से लेकर के जगदेव प्रसाद, इन लोगों ने भारत की बुनियादी समस्याओं को चुनौती दी थी, इसीलिए अंबेडकर और इन सारे सामाजिक न्याय को हाशिए पर रखा गया। इसलिए अब जाति का शोषण बदल गया है, अब जातिवाद में छुआछूत नहीं होता, इंटरव्यू में नंबर काटे जाते हैं और आपको देश चलाने के संस्थानों तक नहीं पहुंचने दिया जाता। इसलिए भारत दुनिया का सबसे अनूठा देश है जिसने अपने बुनियादी समस्याओं पर पर्दा डाला, और आज भी एक जातिवादी, पितृसत्ता का सामंती, कर्मकांडी और आडंबरी देश बना हुआ है। जातिवाद महीन हो गया, बारीक हो गया, इंटरव्यू में नंबर काटा जाना और न्यायपालिका में दलितों को न्याय न मिलना, आदिवासियों की जमीन की बेदखली का मामला, बहुजन तबके की महिलाओं की हर तरह से हक हकूक के छीनने का मामला, ये सारी चीजें वंचित रखी गई। इसलिए अंबेडकर को एक हाथ में संविधान लगा करके सीमित कर दिया गया, दलितों का नेता माना गया, और पिछड़े तबके के लोगों को अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। पिछड़े तबके के लोग फूले को नहीं मानते, पेरियार को नहीं पढ़ पाए, बीपी मंडल और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाए, तो ओबीसी के लोगों कम से कम अंबेडकर को पढ़ो और अंबेडकर के साथ बीपी मंडल की बनाई हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सामने रखो, घर घर पहुंचाओ, तुम्हारे लिए यही रामायण है। रामचरितमानस और महाभारत का पाठ आपके लिए नहीं है, आपके लिए आपकी रामायण और महाभारत है जाति का विनाश, आपके लिए रामायण और महाभारत है अंबेडकर, फूले, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, ललई की सच्ची रामायण पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, ये नहीं करने दिया गया। इसलिए देश आज भी आगे नहीं बढ़ रहा है, समतावादी देश नहीं है, अंबेडकर के सपनों का, सामाजिक न्याय की वैचारिकी के सपनों से बाहर खड़ा हुआ है। तो ये मेरा आरोप है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बात को कुछ चीजों के साथ जोड़ें, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सवालों को आपके लिया जाए, अंबेडकर से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो जिस पर बातचीत की जाए आप उसको पूछें तो अच्छा लगेगा।
मैं कुछ किताबों का जिक्र करना चाह रहा था, वो किताबें मैंने एक बताई, क्रिस्टोफर जेफलो को आप पढ़ें, जरूर पढ़ना चाहिए। एक था डॉक्टर एक था संत में, गांधी को परत दर परत उगाड़ने के लिए मदद करेगी, एक था डॉक्टर एक था संत, अरुंधति रॉय की किताब है। ये दोनों किताबें राजकमल प्रकाशन से आपको मिल जाएंगी। आपको बंच ऑफ थॉट भी अपने घर में रखना चाहिए, गोलवलकर को पढ़ना चाहिए और तब इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। आनंद तेलतुंबड़े, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, आनंद तेलतुंबड़े की बहुत अच्छी किताब है सत्ता समाज और दलित। ये किताब ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन से आई हुई है और इसको जरूर पढ़ना चाहिए। लोहिया की कम से कम एक किताब तो जरूर पढ़नी चाहिए, हिंदू बनाम हिंदू। लोहिया की किताब तो कम से कम ओबीसी तबकों को घर घर रखनी चाहिए, तो हिंदू बनाम हिंदू जरूर पढ़ना चाहिए। राम मनोहर लोहिया किताब, ये राजकमल प्रकाशन से ही आई है। अंबेडकर की जीवनी जो उनके समय में ही प्रकाशित हो गई थी, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। धनंजय कीर ने इसको लिखा है और गजानन सुर्वे ने इसको अनुवादित किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित्र, तो ये किताब पढ़नी चाहिए। एक हमारे अग्रज हैं रामायण राम, रामायण राम की एक बड़ी अच्छी किताब है, वो भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, अंबेडकर चिंतन के बुनियादी सरोकार, पतली सी किताब है, इसको भी आपको इस किताब को जरूर देखना चाहिए एक नज़र में। अंग्रेजी में कुछ बहुत अच्छी किताबें आई हैं, ये रामायण राम की किताब है, इसे भी आपको पढ़ना चाहिए। और कुछ किताबों के बिना अंबेडकर, चूंकि अंबेडकर खुद कहते थे कि वो मूर्तियों में नहीं, वो व्यक्ति पूजा के विरोधी थे, और अंबेडकर का नुकसान वो लोग भी कर रहे हैं जो अंबेडकर की पूजा कर रहे हैं। अंबेडकर के नाम पर केवल पूजने की बात नहीं है, अंबेडकर किताबों में है। अंबेडकर को पढ़िए और अंबेडकर को घर घर पढ़वाइए। जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, लोहिया, ललई, कांशीराम, ये सारे लोगों को पढ़ने की जरूरत है। बिरसा मुंडा की पढ़ने की जरूरत है, पेरियार को पढ़ने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों के साथ अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अंबेडकर के साथ न्याय करेंगे और सबसे जरूरी बात इस देश के साथ न्याय करेंगे। इस देश का सब ये केवल अंबेडकर का नुकसान नहीं है कि आपने एक इतने बड़े समाजशास्त्री को, इतने बड़े राजनेता को, इतने बड़े चिंतक को, विचारक को केवल आपने आरक्षण और संविधान तक सीमित कर दिया। ये देश का नुकसान है, ये देश की विडंबनाओं का नुकसान है। और एक आखिरी बात जिससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर आपको वाकई लगता है कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और जो सवर्ण तबके के लोग हैं उनके लिए भी एक बात है कि क्या इस देश में इस बात का मूल्यांकन अब नहीं होना चाहिए कि अंबेडकर की लेखनी इस बात को इशारा करती है कि वो आंकड़े बताते हैं। क्रिस्टोफर को जब आप पढ़ेंगे तो आंकड़े बताते हैं, उन आंकड़ों में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि बहुत थोड़ी सी 3% आबादी ब्राह्मणों की, 3-4% आबादी राजपूत और ठाकुरों की, 3-4% और मिला लीजिए तो पूरे अपर कास्ट है, 14% के आसपास सवर्ण तबका है। आज पूंजीपति सबसे ज्यादा किस तबके के हैं, आज ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा किस तबके के हैं, आज प्रोफेसर सबसे ज्यादा किस तबके के हैं, आज जज और वकील सबसे ज्यादा किस तबके के हैं, मीडिया में कौन से तबके के लोग बैठे हैं। तो ये जो 13-14% अपर कास्ट है, ये 90-95% जगह को अभी भी कब्जा किए हुए। तो आप अंबेडकर को केवल अंबेडकर जयंती पर याद करते हैं, आप अंबेडकर के नाम पर 4 पोस्ट लिख देते हैं और पूरे साल आप दक्षिणपंथी विचारधारा के तरीके से आरक्षण के विरोध करने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हिमायती बन करके, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना करके आरक्षण को आप बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की हत्या करते हैं। ये दोहरा चरित्र किसी देश में नहीं होता, ये देश अनूठा है। महिला विरोधी आप अपनी पूरी वैचारिकी में होते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि अंबेडकर इस लोकतंत्र की बुनियाद रचते हैं, संवैधानिक लोकतंत्र के हिमायती थे। आप अंबेडकर को याद कर रहे हैं और संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या करने में शामिल है, ये कैसा दोहरा चरित्र है। आपने अंबेडकर का किताबें, ये गवर्नमेंट बनी तो प्रकाशन विभाग से अंबेडकर का समग्र छपना बंद कर दिया, सिलेबस में अंबेडकर नहीं होंगे, अंबेडकर की राइटिंग सिलेबस से निकाली जाएगी, जितने बहुजन एक्टिविस्ट होंगे वो जेल भेजे जाएंगे, और 14 अप्रैल 6 दिसंबर को आप जय भीम लिख दें अंबेडकर को संविधान का निर्माता और ये सब कर दें, ये ढोंग है। अंबेडकर व्यक्ति पूजा के हिमायती नहीं थे, अंबेडकर किताबों और कलम के जरिए क्रांति की बात करते हैं, वो रक्त रंजित क्रांति नहीं, कलम की क्रांति थी। आइए पढ़ने दीजिए।
तो अगर आपको यह स्पष्ट दिखता है कि आज भी इस देश पर कब्जा इस 13-14% अपर कास्ट का है और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं ये आज भी संसाधनों से यानी आर्थिक दृष्टि से, अवसरों से वंचित हैं, तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये मेरा सवाल आपसे। आप समर्थ तबके के अगर हैं तो विचार करिए इस बात के लिए, और इस बात से विचार करते हुए आपको इसका जवाब सोचना चाहिए, और इस बात का जवाब बताइए कि आपके पास आंकड़े नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि हर जाति की जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए? क्या आपको अच्छा लगता है कि आप बातें बड़ी बड़ी करें लेकिन आपके न्यायपालिका में कौन लोग बैठे हों, आपकी जुडिशरी, आपकी मीडिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके सारे तंत्र पर कब्जा किसका हो? तो आप कैसे अंबेडकर के साथ न्याय करते हैं? और पिछड़े तबके के लोग, जो लोग पिछड़े तबके के हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप कम से कम पेरियार ललई और अंबेडकर और तमाम लोगों को पढ़ें। ठीक है, कुछ सवालों को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। कुछ सवाल आपके, आपको अंबेडकर को लेकर के कोई सवाल हो आप पूछिए, उस पर बातचीत करना जरूरी है आज के दिन में। सामाजिक समता हक है या सामाजिक असमानता शोषण? आपका सवाल समझ नहीं पाया। कांचाई लैया के प्रोडक्टिव कास्ट के बारे में भी थोड़ा बता। बिल्कुल ठीक बात है अमित, अमित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो कामगार जातियां थी, श्रमिक जातियां थी, और चौधरी छोटू राम तो बहुत अच्छा इसका कामगार और परजीवी और श्रमजीवी का विभाजन करते हैं। तो चौधरी छोटू राम को कौन जानता है इस देश में? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद घोर संघी होकर के भी देश निर्माता होंगे, लेकिन चौधरी छोटू राम को कोई जानेगा? तो कंचा लैया उसी बात को कहते हैं कि ये कामगार जातियां और इनको उपेक्षित किया गया और उस प्रोडक्टिव कास्ट को बाहर रख करके देश के निर्माण का नुकसान इस मामले में किया गया कि जब आपने अपने सबसे क्रिएटिव कास्ट को, अपने सबसे क्रिएटिव तबके को ज्ञान के संस्थानों से सायास वंचित रखा, इसीलिए आप हाशिए पर चले गए और आज आप कहीं खोज में नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई सवाल आपका? मनुवादी अपने वर्चस्व के बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और केवल मनुवादी ही नहीं शामिल है, अंबेडकर तो बहुत साफ कहते हैं कि जाति व्यवस्था इसलिए चलती है क्योंकि हर ऊपर वाला व्यक्ति अपने नीचे वाले का शोषण और इस हेजमनी को बनाए रखना चाहता है। हमको एक बड़ी एका की बात करनी होगी। जाति का तरीका बदल दिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर अंबेडकर अपना सामाजिक पक्ष लेकर हमेशा चलते थे, क्या वैचारिक स्तर पर सामाजिक पक्ष में डूबे बगैर सामाजिक न्याय हासिल करना संभव? बिल्कुल संभव नहीं है। स्पष्ट वैचारिकी के बिना आपका हश्र अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जैसा हो जाएगा। इसलिए विचारों के बिना राजनीति बहुत दूर तक नहीं होगी। आप राम के पास कभी कृष्ण की उपासना करेंगे, कभी हनुमान के उपासक बन जाएंगे, लेकिन बाकी चीजें आप वो आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाएंगे जो करना चाह रहे थे। जातियों का अंत बहुत मुश्किल नहीं है रविकांत जी, मुझे लगता है कि हमने उसको मुश्किल बनाया है, इसलिए जातियां बहुत मुश्किल हैं। मौजूदा दौर में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जो चोट पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, क्या इसके वे पढ़े लिखे लोग भी दोषी हैं जिन्हें? बिल्कुल, अंबेडकर ने अपने आखिरी दौर में इसीलिए कहा था, वो पे बैक टू सोसाइटी अंबेडकर का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, और उन्होंने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं जितनी उम्मीद करता था वो उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। तो अंबेडकर खुद अपने आखिरी दिनों में ये बात कहते थे कि पे बैक टू सोसाइटी को जो नहीं मान रहा है वो तबका इसको इसमें दोषी शामिल होगा, और इसीलिए बहुत प्रसिद्ध वाक्य अंबेडकर का है कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक पहुंचाया है, इसे आगे बढ़ना, और अगर इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो तो इसे वहीं छोड़ देना जहां पर मैं पहुंचाया हूं, इसे पीछे मत जाने देना। हमें याद करना चाहिए अंबेडकर को, हम अहम अंबेडकर के कारवां को आगे तो नहीं पीछे जरूर ले जा रहे हैं। सच्ची रामायण का जिक्र मैंने किया, पेरियार ललई की लिखी हुई सच्ची रामायण हर ओबीसी तबके को पढ़नी चाहिए, और ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को एक्सप्लेन करें। मैं एक बात कहता हूँ, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, अफजल ने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसको हमें हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से जोड़कर देखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को अंबेडकर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र का हत्या करने वाला है और हिंदुओं के खिलाफ भी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र दरअसल जातिवादी और पितृसत्तात्मक राज्य है, ये सामंती राज्य है,
और इस हेजमनी को बनाए रखने के लिए वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करते हैं। वो अभी आपको समझाएंगे कि ये पाकिस्तानी है जो गोलवलकर कह रहे हैं। फिर से मैं इस किताब का जिक्र जरूर करूंगा। बंच ऑफ थॉट में आंतरिक समस्या मुसलमान सबसे पहले हैं, इसीलिए कभी उनको देशद्रोही बताया जाएगा, कभी उनको जो है नारे पूछ करके उनकी लिंचिंग की जाएगी, कभी उनको सरेराह मारा जाएगा और लिंचिंग करने वालों को माला पहनाया जाएगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, फिर उनको CNRC लागू करके देश से निकालने की बात की जाएगी, उनको हमेशा एक दोयम दर्जे का नागरिक रखा जाएगा, और जब कोरोना जैसी एक बीमारी आएगी तो कोरोना जिहादी कहा जाएगा। ये उनकी बुनियाद में है। लेकिन हिंदू राष्ट्र केवल मुसलमान विरोधी नहीं है। अंबेडकर इस बात का इशारा उसी समय करते हैं। वो दलित पिछड़ा विरोधी भी है, वो आदिवासी विरोधी है और वो महिला विरोधी है। इसलिए भारत में पूंजीवाद के साथ ये जो दक्षिणपंथी विचार है इसका एक नेक्सस बना, क्योंकि जाति के नाम पर यहां विभेद पहले से था, जेंडर के नाम पर विभेद था। पूंजीवाद ने इस विभेद को एब्जॉर्ब करके एक ऐसा अलायंस बनाया जिसने इस पूरे सत्ता तंत्र पर कब्जा किया। इसलिए एक साथ ये चीजें काम करती हैं, एक साथ सांप्रदायिकता, जातिवाद और लैंगिक विभेद एक साथ काम करता है, और ये तीनों मिल करके उस हेजमनी को बनाए रखना चाहते हैं जो इस देश को चलाने में काम कर रहा है। और पूंजीवाद इसके पैरेलल सामाजिक सार्वजनिक सत्ता प्रतिष्ठानों को निजीकरण की ओर ले जाएगा और आपके आरक्षणों को अचानक औचित्यहीन बना देगा। EWS आरक्षण ला करके औचित्यहीन बनाएगा और उसके बाद सब कुछ प्राइवेटाइज करके औचित्यहीन बनाएगा। इसलिए हमें इस पूरे विस्तृत दायरे को समझना होगा कि पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता, ये तीनों का एक नेक्सस इस समय काम कर रहा है। आपको अलग अलग टुकड़े में लड़ने को कहा जाता है। आप मुसलमान के ऊपर हमला हो तो मुसलमान बोले, दलितों के ऊपर हमला तो OBC ना बोले, OBC अपने को दलितों से ऊपर मान के चले, आदिवासी अलग मान के चले, महिलाओं के सवाल जेंडर डिस्कोर्स शामिल ना हो, ये बांटना दरअसल उस ब्राह्मणिकल हेजमनी और ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पूंजीवाद और पितृसत्ता के नेक्सस का खेल है। इसलिए एका की बात जो 1956 में अंबेडकर कर रहे थे उस एका तक हमें जाना होगा। मुझे लगता है कि काफी बातें हो गई हैं, कोई बहुत बुनियादी सवाल हो तो उस पर बातचीत कर ली जाए, और नहीं तो फिर इस बातचीत को यहीं रोका जाए। एक सवाल और है, कृष्णकांत जी पूछ रहे हैं, कुछ लोग जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल ये संघ का पैटर्न है, इस किताब में बंच ऑफ थॉट में है। अधिकार को कर्तव्य के आगे बहुत थोड़ा दिखाया गया है। देखिए, ये एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र के नाम पर आपसे कुर्बानियां मांगेगी, और कुर्बानी देनी होगी तब भी जो सबसे कमजोर वंचित शोषित तबका है वो पहले कुर्बानी देगा। और कोरोना जैसी महामारी जब आती है तब भी ये स्पष्ट हो जाता है कि सदियों से जिन्हें वंचित रखा गया वो सबसे पहले हर तरह की मुश्किल में मारे जाएंगे। आज पलायन किसका हो रहा है, आज इस कोरोना की महामारी सबसे ज्यादा मारा कौन जा रहा है, ये सब स्पष्ट है। इसीलिए तो ये हेजमनी बनाए रखी गई, और आपको ये कहा जाएगा कि राष्ट्र के लिए आप इस चीज को छोड़िए। बंच ऑफ थॉट में कहते हैं गोलवलकर कि एकता की बात के लिए जातियां तो आपस में बांटती हैं, जाति के नाम पर इंटरव्यू में नंबर कम दोगे तुम, जाति के नाम पर न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका, हर जगह किसी को आने नहीं दोगे और थाली में बैठकर खाओगे, अधिकार नहीं दोगे। उन्हें वो दलित बड़ा प्यारा है जो मीठी मीठी बात करके समरसता की बात करे। राष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति पहले भी बनाए गए, आज भी बनाए गए। वो दलित, वो OBC उनको हमेशा चुभेगा जो हक हुकूक की बात करेगा, जो लोहिया फूले, पेरियार, अंबेडकर और बिरसा मुंडा की बात करेगा, सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख की बात करेगा। इसलिए आपको चुनना है कि आप अपने समाज को क्या देना चाह रहे हैं। तो व्यक्ति पूजा अंबेडकर भी नहीं चाहते थे, व्यक्ति पूजा आप भी न करिए, लड़िए, एक बड़ी एका बनाइए। जिस एका का ख्वाब अंबेडकर 1956 में देख रहे थे, लोहिया को पत्र लिख रहे थे, समाजवादियों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की और मजदूरों और किसानों की, जिस एका की ख्वाब को अंबेडकर ने अपने आखिरी दिनों में देखा था, उस ख्वाब को हमें पूरा करना होगा। यही सांप्रदायिकता का जवाब है, यही पैट्रियार्की का जवाब है, यही इस राष्ट्र को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने का जवाब है, रास्ता है। संवैधानिक लोकतंत्र को, संवैधानिक सत्ता प्रतिष्ठानों को
और नागरिक अधिकारों को बचाने का यही जरिया है कि वंचितों शोषितों की 85% आम आवाम की, दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक और महिलाओं की एक बड़ी एका बनाई जाए, तब हम इस पूरी लड़ाई को लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। मेरा भी जवाब दें कि प्लीज ललई की कौन सी पुस्तक, पर यार ललई का समग्र हमारे एक मित्र हैं धर्मवीर, वो रचनावली लाने वाले हैं, बहुत जल्दी रचनावली आएगी तो उसे भी पढ़ना चाहिए। फिलहाल उनकी सच्ची रामायण बहुत प्रसिद्ध किताब है, वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, मैं उसको उसकी कॉपी भी डाल दूंगा, आप उसे जरूर पढ़ें। बाबू जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा की लेखनी मौजूद है, ललई के साथ लोहिया को जरूर पढ़ें, लोहिया का हिंदू बनाम हिंदू, इतिहास चक्र और बहुत बुनियादी किताबें हैं, इनको जरूर पढ़ना चाहिए, भारत विभाजन के गुनहगार। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार फिर से अंबेडकर को याद करते हुए उनकी जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करें कि हम लोग इस कोरोना की महामारी से भी लड़के जीतेंगे, क्योंकि हमें जीतना है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम वंचितों शोषितों के पास हारने का विकल्प नहीं है, हम कोरोना से भी लड़के जीतें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हम आनंद तेल तुम्बड़े को बचाएं, हम उन तमाम दलित एक्टिविस्टों को, आदिवासी एक्टिविस्टों को, मुस्लिम एक्टिविस्टों को जो जेल में बंद हैं, उनके लिए भी एक सैल्यूट करें, हम उन लोगों के साथ खड़े हों जो आज भी जाति के नाम पर कोरोना की महामारी के समय भी शिकार हो रहे हैं, और अंबेडकर के सपनों का हिंदुस्तान श्रेणी विहीन यानी वर्ग विहीन, वर्ण विहीन, लैंगिक विभेद विहीन समाज बनाने की दिशा में काम करें। इसी खाब के साथ फिर मिलेंगे, आप सभी को जय भीम।